हे गाइस, तो चलिए आज हम बात करते हैं कुछ हैकर्स के बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि दीदी इस बार इतना लेट क्यों मतलब हीरो ये वीडियो डाल रही हो और हीरोइक पहुंची हो, ग्रैंड मास्टर भी नहीं पहुंचा। और ऐसे ही बहुत सारे सवाल किए थे, क्योंकि इस बार रैंक पुश कर रहे थे, मोर देन इतना मैच खेले ना, जितना मैच में ना लाइक होता है ना कि 2 और 3 मैच में बंदे हैकर नहीं मिलता है और बाकी पूरा की पूरा हैकर मिलता है। जितना भी मेरे से हो पाया, जितना दिमाग ने काम किया, उतना बार मैंने रिकॉर्ड कर लिया जल्दी जल्दी। लेकिन मोबाइल से खेलती हूँ तो पूरा रिकॉर्ड करके नहीं बैठ सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारा मतलब मेरे पास स्पेस नहीं होता है मोबाइल में, जल्दी फुल हो जाता है। तो मैं मतलब और रिकॉर्डर भी स्टॉप करना पड़ता है, फिर रिकॉर्ड ऑन करना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है। तो यहाँ पे अभी अभी आपने देखा, सबसे पहले हमारा सुमन मर गया, फिर उसके बाद एक एक करके उसको कब्र देने जाते जाते, मतलब हैकर है कि नहीं कंफर्म करते करते सागर संदीप मर गए। फिर मैं भी सोचा कि नहीं होगा, कभी कभी तो मिस्टेक से हैकर हेड सा लग जाता है, फिर मेरे को भी लग गया। पर अब देख रहे हो यहाँ पे बंदे को एनिमी का लोकेशन पूरा पता चल जाएगा, देखो पीछे एनिमी है, इसको ये भी पता है, देखो फिर से पट से हेड शॉट मार दिया है। और इतना गुस्सा आया था, हम तो लाइक अभी क्या अभी गेम छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आप देख सकते हो रिजल्ट। एक जब आप पुश करते हो, आप पूरा रात भर पुश करते हो, वीडियो बना रहे होते हो, आपको भी ग्रैंड मास्टर जाना है, लेकिन ये होगा तो क्या होगा? आप लोग समझ सकते हो, जो भी आप लोग रैंक पुश करते हो उन लोगों को पता है। तो यहाँ देखो इसका चंदू, ये चंदू तो हमारे मैच से कम 5 बार आया होगा यार, इसका दो मैंने रिकॉर्ड किया है। तो ये चंदू का कहानी खत्म, अब दूसरा का कहानी देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एनिमी होता है डायरेक्ट, मैं लंचर भी नहीं फेंक पाती हूँ, मेरे को पूरा हेड शॉट, मेरा खोपड़ी तोड़ जाता है। अरे देखो मुंडी को बंदूक संभाल के घिसर घिसर के सर रही है। अरे देखो फिर मेरा सब दोस्त का मुंडी फट गया। हम बोल रहे हैं कि सुमन भाग भाग, हैकर है हैकर है हैकर है। मेरा भाई भाग रहा था तो उसको भी पकड़ लिया, देखो पकड़ लेगा वो। सुमन देखो कितना दूर है ना, देख लिया ना, उधर रिफाइनरी के उधर है। वे देखो जाके पकड़ लिया इसने, मार दिया सुमन को भी। ये हम 14 से हेड शॉट, और इसका कील देख सकते हो आप लोग। अभी भी सब ये हैकर बैकर ये चक्कर ये खत्म नहीं हो चुका है। यहाँ पे मेरे दोस्त को ऑलरेडी हैकर ने मारा था, तो मैं अकेले उस जगह से बहुत दूर भाग के सर्वाइव किया था, तो मुझे दूसरे बंदे ने मारा, मैं फंस चुकी थी गलत सिचुएशन में, मैं सर्वाइव कर रही थी, बस मूव करता रहना। तो इन लोगों ने मुझे मारा, अब इन लोगों को देखो इन लोगों के साथ क्या हो जाता है इन लोगों का फटा दिया इसने, मुंडी तोड़ दिया देखो इस हैकर को। कभी देखो सबके सब दोस्त, इसका कील देखिए गाइस, इसके दोस्त कमीने नल्लेपंती करके हैकर से खेल के क्या कर रहे हैं, रैंक पुश कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी हमें हैकर मिलता है, ठीक है। तो मतलब हमें पता चलता है यहाँ एनिमी है, तो मैं इसका वेट करती हूँ, और मेरे को पॉट से हेड शॉट लग जाता है। और संदीप को पहले ही हेड शॉट लग के उसने ग्लू वॉल बना के उसको हील कर चुका होता है, और संदीप ने फाइनली उसको नॉक कर देता है वो, क्योंकि मेरे को मारने में बिजी था ना। और हम सोच रहे कि हमने एनिमी को मार दिया करके पूरा क्या बोलते हैं इसको, मजे कर रहे हैं, हम हंस रहे, इमोट दिखा रहे हैं। तभी क्या होता है, सरप्राइज, ओ भाई देखो अब मैं बोलती हूँ सागर और सुमन को भाग इधर से, जितना भागना है भाग, नहीं तो फिर हमारा रैंक के साथ क्या होगा, कैसा मजाक होगा वो हमें ही पता है, जो भी रैंक पुश करते उनका दिल में कितना चुभता है ये बात। ये देखो मेरे को परेशान करता है इमोट दिखा के, और कुत्ता मार दूंगी मैं, भाग। चलो कहानी खत्म इस मैच का। अब देखिए गाइस इस मैच में तो अलग ही लेवल का एनिमी है, AWM से साला सबका क्या बोलते हैं मुंडी तोड़ रहा है। देखो मैं इधर लड़ रही होती हूँ, मुझे पता नहीं होता कि एनिमी उधर है, पट से उतने में AWM से मारता है। मैं पहले सोची कि वहाँ से इजीली भी मार सकते हैं, लेकिन फिर बाद में आया नहीं, तो मैं सागर को बोलती हूँ हैकर रे तू छुप, और संदीप भी दूर जा चुका है, तो सागर ने यहाँ पे इसको मारा। देखा
अब देखो सागर के साथ क्या होता, जब भी ये थोड़ा सा मुंडी दिखाता है तो गया सागर भी। और संदीप देखिए कितना दूर है संदीप, संदीप को भी पट से हेडशॉट, अब AWM का किल देखिए अब संदीप। देखा ना AWM से हर कोई को हेडशॉट दे रहा है, इसका किल देख सकते 28 भाई साहब, मारो मुझे। और यहाँ पे ये होता है कि इसका दोस्त होता है जिसका नाम हनी, हनी वाला को मैंने मारा था शायद, इसका नाम क्या है मैं भूल गई, हनी इसका दोस्त भी हैकर था, मैंने उधर हैंगर में मारा था तो मैं भाग के आ गई कि उनकी दोस्त है ये लोग, मेरा लोकेशन पता चल जाएगा। तो देखो इसने मुझे पकड़ लिया और इसने मुझे मारा, मेरे वो क्लिप नहीं रिकॉर्ड कर पाए, भूल गई मैं। तो सागर और हमारे संदीप और सुमन को भी इस लोगों ने मारा था, और इसका देखो हमारा सागर भी उधर अलग ही दुनिया में जाके मर चुका है। इसके इसका दोस्त मतलब गाड़ी के सामने था, उसको पता नहीं था तो मैंने इसको मारा था, इसका दोस्त को मैंने मारा था, उसका दोस्त भी हाकर था। देखो ये कहाँ से कहाँ आके टेलीपोर्ट करके हैरी को मार रहा था, साले के पास लाइफ नहीं था, इसका भी गया, हैकर को मार दिया इन लोगों ने, वाह। अब ये देखिए दोस्तों हमें सबको मार दिया, तभी दिमाग में आया कि हाँ हमें रिकॉर्ड करना चाहिए, तो हम रिकॉर्ड कर रहे, देखो क्या चला रहा है बंदा ड्रैगनब से सबको ऐसे यूई चुटकी में मार देता, देखो ऐसे कहाँ गन चला रहा है, कहाँ के बंदे को मार देता है, सबका वार्ड लगा दिया इन लोगों ने। और गाइस यहाँ पे तो आप लोग अलग ही लेवल का हैकर देखने का नज़ारा आपको मिलेगा, तो यहाँ पे ये बोल कभी नहीं कहेगा आके मारता है, मैं हैकर ही समझ के हम भागते हैं, पप्पू को भाग भाग बोलते हैं, पप्पू भी भाग रहा होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से हमें पकड़ के मार देता है, पता नहीं उतरते इनको फिर गन भी कहाँ से मिल जाता है। और ये बोल्ट का तो बात ही कुछ और है, इसका दोस्त को देखो गाइस एक बार गौर करके, कोई आसमान में दे वो आसमान में जाके सबको देखता है कि कहाँ कहाँ एनिमी है लोग, इसको देखो इसको इसका नाम क्या है, हनी हनी डार्लिंग इसको देखिएगा, ये देखो रुके ये तो कुछ नहीं, अब जब ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके इधर उधर पूरा संसार देखेगा ना, तब आप लोगों को पता चलेगा, ये देखो पूरा संसार देख लिया। अब फिर दूसरा क्लिप भी बाकी, इतना ही नहीं गाइस, ये देखो हर कोई को हैकर से बचते बचते बचते। अब देखो हम यहाँ पे ग्लूवाल कहाँ तोड़ रहे होते, हमारा सागर सुमन को भी इन चोर कमीनों ने मारा था सबको, ये देखो इसको कहाँ आके हमें मार दिया, सीधा ग्लूवाल में हम मार रहे उधर, इधर हमारे ग्लूवाल के आगे आके हमें हेडशॉट दे दिया, बोल तो रहा था सागर हैकर हैकर, देखो कहाँ से कहाँ बर्न हो गया, और ले कहाँ मार रहा है और कहाँ हेड लग रहा है, ओ भाई कैसे कर लेते हैं पता नहीं, रिपोर्ट कर करके थक गया हम। ओके गाइस तो इस बार में भी मतलब M500 से किल आ रहा था पूरा के पूरा हेडशॉट किल, तो हमें पता चल गया कि हैकर है, भागो यहाँ से, तो हम ऑलरेडी यहाँ से मैं भाग रही हूँ, और मैं रैंक पुश करने के लिए मैं यहाँ से भाग चुकी हूँ, क्योंकि सबको जितने भी लोग शिपयार्ड में उतरे थे सबको M500 का हेड खाए इन लोगों ने, तो मुझे भागने के लिए आदेश आया और मैं भाग रही हूँ, रैंक सेव कर रही हूँ। तो इतना गुस्सा आता है, इतना मतलब रात भर हम गोल से लेके मतलब पूरा रात भर हम खेल रहे हैं, पुश कर रहे हीरो के लिए बोल के, ग्रैंड मास्टर के लिए बोल के, तो हम वीडियो रेकर कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हैकर मिलता है दिमाग ख़राब करके रख देते। तो कितने लोगों को पास डबल रैंक टोकन होते हैं, एक तो उन लोगों के पास ज़्यादा बेनिफिट होता है, वो लोग जल्दी पहुँच जाते हैं, और जो हम जैसे लोग जिसके पास कुछ नहीं है हम ऐसे कर रहे हैं, फिर भी हमें भी हैकर मिलके हमारा ही वार्ड लगा रहा है, तो कितना गुस्सा आता है आप लोगों को पता, अब तो गुस्सा आ कि भाई अब तो हंसी आने लग गई है। तो एक ही बात मैं सोल्यूशन बोलना चाहूँगी, जब भी हैकर आएगा ना तो आप लोगों के पास सोल्यूशन ये है कि आप लोग दुम दबा के भाग लो वहाँ से, इतना भागो कि एक जगह में खड़ा ही नहीं हो, नहीं तो हालत ऐसा होगा सीधा 42 समथिंग समथिंग का माइनस। ओके तो इतना ही गाइज, आप लोगों को कुछ बोलना है तो कमेंट आपके लिए पढ़िए, सबको जो बोलना है बोलिए, थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।